लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से, इस ग्रंथ के माध्यम से किया है। आइए सभी मेरे पीछे दोहराइए, भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए सभी मेरे पीछे बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्याम्। नारायणं नमस्कृत्याम्। नरं चैव नरोत्तमं। नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासम्। ततो जय मुदीरयेत। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ राष्ट्रमद भागवत महापुराण की जय। भगवान शिला वेद व्यास जी की जय। श्री नर नारायण ऋषि जी की जय। विद्या की देवी सरस्वती माता की जय। शुकदेव गोस्वामी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। जय गुरुशील प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय हाय गौर पे मनंदे हरि हरि बोल। हरि हरि हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज का जो प्रसंग है ये चल रहा है इसमें तरणाव्रत का उद्धार का, कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। और एक साल के होते हुए भगवान ने इस कंस के भेजे हुए असुर तरणाव्रत राक्षस का इसका वध किया भगवान ने और उद्धार किया इसका। इस कथा का वर्णन श्रीला शुकदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में किया है, जिसको श्रीला प्रभुपाद जी इस ग्रंथ लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में वर्णन कर। भगवान ने भगवद गीता में एक मुख्य बात कही है जो समझने और विचार करने वाली है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से हम सभी को बता रहे हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन को, जन्म कर्म च मे दिव्यम् यो वेति शाश्वत तत्वतः। हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं, वो आप और हमारी तरह सामान्य मनुष्यों की तरह भगवान ने जन्म या कर्म उनके नहीं है, लेकिन हम जैसे सामान्य जीवन जी रहे हैं हमें लगता नहीं भगवान के भी ऐसे ही कार्य हैं, और परिणाम में हम उतनी गंभीरता से भगवान कृष्ण की लीलाओं का चिंतन या उसका विचार ही नहीं करना चाहते सामान्य यार। और उसका एक कारण ये भी है, मन की मलिनता के कारण हम भगवान के
उन लीलाओं के प्रभाव को अभी कई बार अनुभव न कर पाने के कारण हम उसको गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन यहां पर जो वर्णन है आज की इस कथा में तृणाव्रत उद्धार के, इसमें वर्णन है कि भगवान जो है वो षड ऐश्वर्यों से, भगवान शब्द का अर्थ ही है, जो भगवान शब्द बना है भग धातु से, जो छह ऐश्वर्यों से पूर्ण है। छह ऐश्वर्य का मतलब जिसमें सर्वाधिक बल है, सबसे अधिक बलशाली, चाहे वो एक दिन के बालक के रूप में हो भगवान, और चाहे यौवन अवस्था में हो, नव यौवनम जो उनका एक नाम है कि वो सदैव यौवन अवस्था में, भगवान अपनी योग माया के सहयोग से ऐसी जब लीला करते हैं धरती पर आकर ब्रह्मांडों में, तो भगवान जन्म से लेकर कुमारा अवस्था जो लगभग 5 वर्ष तक की होती है, फिर पौगंड अवस्था जो 5 वर्ष से लेकर लगभग 10 वर्ष तक होती है, फिर किशोरावस्था जो 10 वर्ष से लेकर लगभग 15 वर्ष तक होती है, और फिर यौवन अवस्था जो 15 साल के बाद। तो भगवान बाल जन्म से लेकर कौमारावस्था से लेकर यौवन अवस्था तक तो दिख लगता है कि उनके शरीर में विकास ऐसा कुछ वृद्धि हो रही है, लेकिन 16वें साल में जाकर भगवान का शरीर, उसके बाद उनमें परिवर्तन नहीं आता, इसलिए उनका एक नाम श्रीमद् भागवत में वर्णन है नव यौवनम, सदा यौवन अवस्था में रहते हैं, सर्वाधिक बलशाली हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित महाराज को भगवान कृष्ण सबसे अधिक सुंदर हैं, उनसे बढ़कर सुंदर नहीं है किसी भी ब्रह्मांडों में, किसी भी लोकों में, जिसका एक उदाहरण भागवत में वर्णित है, भगवान ने जब मोहिनी अवतार लिया तो वो इतना सुंदर है कि शिव जी ने इच्छा की भगवान से, एक बार भगवान को कहा कि प्रभु मैंने आपका मोहिनी रूप नहीं देखा, मुझे मोहिनी रूप देखने की इच्छा है। गौरी माता के साथ आए और शिव जी ने प्रार्थना की, और जब उनकी प्रार्थना पर भगवान ने मोहिनी रूप का दर्शन कराया शिव जी को, शिव जी ये भूल गए कि उनके साथ में गौरी माता भी हैं, और इतने कामासक्त हो गए कि वो आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े उनका। ये है भगवान का सर्वाधिक सौंदर्य, सर्वाधिक। हम सबके शरीर तो क्या बने हैं, क्या सुंदर होंगे ये, जिसमें मांस मज्जा हड्डी रक्त मलमूत्र की बनी थैली। वास्तविक सुंदरता अगर कभी है तो वो है भगवान कृष्ण की और राधा रानी की, सर्वाधिक सुंदर, सबसे अधिक बलशाली, सर्वाधिक सुंदर और सर्वाधिक यशस्वी, जिनका यश सब दिशाओं में गाया जाता है, और सबसे अधिक ज्ञान, पूर्ण ज्ञान है, उन ज्ञान के लिए कहीं जरूरत नहीं है। लेकिन संसार में जब आते हैं तो एक शिष्टाचार्य सिखाने के लिए हमें गुरुकुल में भगवान जा रहे हैं, संदीपनी मुनि जी के आश्रम में जाके रह रहे हैं, लेकिन 64 दिनों में 64 विद्याएं सीखी, केवल 64 दिन रहे, 65 दिन वापिस हो गए गुरुकुल, क्योंकि वो तो पूर्ण है। लेकिन हमें सिखा रहे हैं कि गुरुकुल में जाकर आचार्य के माध्यम से ही हमें इस आत्म साक्षात्कार के मार्गदर्शन को हमें गुरु से सीखना चाहिए। ये एक पद्धति उन्होंने, भगवान ने स्वयं आचरण करके सिखाई, जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन आता है, जो भगवान कृष्ण भक्त के रूप में आए इसी कलयुग में लगभग 500 वर्ष पहले, कि स्वयं आचरण करी प्रभु जीवे ले सिखाए, खुद आचरण करके संसार के जीवों को चैतन्य महाप्रभु एक भक्त का आचरण सिखा रहे।
चैतन्य महाप्रभु है तो वो भी गुरुकुल में गए पढ़ने के लिए, भगवान राम आए तो वो भी गुरुकुल में गए, वशिष्ठ मुनि जी के आश्रम में गए। और सबसे अधिक त्याग वैराग्य जिसमें है, कैसा वैराग्य कि खुद ही यदुवंशियों के लिए पहले द्वारिका का समुद्र के बीच में द्वारिका बसाई और फिर पूरी द्वारिका को जब समुद्र में डुबो दिया भगवान के, वो कोई किसी तरह की आसक्ति या मोह नहीं उठी, पूर्ण त्याग में। हमें थोड़ा सा कुछ मिलता है बस उसी में आसक्त हो जाते हैं मोह में, और उसके छीनने का हर समय भय बना रहता है, डर बना रहता है कहीं कोई मेरे से छीन ना ले। इतनी मेहनत से मैंने देखो घर बनाया, गाड़ी ली, बैंक बैलेंस इकट्ठा किया, कोई मेरे से छीन ना ले, हर समय भयभीत रहते। इतनी मुश्किल मैंने परिवार बसाया, इतनी मेहनत से, ऐसा ना हो कि ये परिवार से मैं बिछुड़ जाऊं, मोह आसक्ति। लेकिन भगवान के पूर्ण त्याग वैराग्य। तो इस तरह से यहां पर जो वर्णन है सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, पूर्ण धन, सबसे अधिक धनवान, उनसे बढ़कर धनवान कोई नहीं है, कुबेर जो उनके सेवक के रूप में है, सारा धन जो है कुबेर जी के, और कुबेर जी भगवान के सेवक हैं, लक्ष्मी जी सहस्रों लक्ष्मियां, लाखों लक्ष्मियां भगवान के चरणों में भयभीत होकर नतमस्तक होकर सेवा में रत रहती हैं निरंतर। पूर्ण धन, बल, यश, ज्ञान, सौंदर्य, वैराग्य, ये षड ऐश्वर्य जो हैं जिनमें वो भगवान कहला सकते हैं। और श्री सुखदेव जी कहते हैं श्रवण एक अवसर है, श्रवण मतलब भगवान की लीलाओं को तथा कार्यकलापों जो संसारिक नहीं है, जो भौतिक बोध से, जो हम भौतिक तरीके से सोचते हैं हर बात को, संसारिक एक नजरिए से देखते हैं, उससे बिल्कुल अलग परे हैं, जिसको भगवान ने कहा भी गीता में जन्म कर्म चमेति। तो हम भगवान की लीलाओं का कार्यकलापों का अगर श्रवण करते हैं तो श्रवण करने से हमें आध्यात्मिक लाभ, क्योंकि ये असाधारण, ये साधारण भौतिक संसारिक तरह के नहीं है। श्रवण एक अवसर है जो भगवान का साहचर्य प्रदान करता है, इस सुनने के माध्यम से भगवान की लीलाओं को हम भगवान का श्री कृष्ण का संग कर सकते हैं इस तरीके से, और उनके कार्यकलाप के श्रवण का अर्थ है दिव्य चेतना का विकास कर, जो आध्यात्मिक चेतना है, जो भगवान की स्मृति भगवत, उस आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है जब हम बार बार भगवान की लीलाओं को सुनेंगे। अभी तक क्या है, आध्यात्मिक चेतना से वो बिल्कुल भूले हुए हैं, विस्मृत हैं, केवल संसार में शरीर और शरीर से संबंधित वस्तुओं और व्यक्तियों में ही हमारा मन लगा हुआ। लेकिन इसी मन को आध्यात्मिक चेतना में स्थित करने का तरीका क्या है, भगवान की श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनना, उनके कार्यकलापों का श्रवण करना, और नवधा भक्ति का भी प्रथम अंग है श्रवणम, और दूसरा है कीर्तनम। भगवान की लीलाओं के श्रवण जो है, मनुष्य तुरंत दिव्य प्रकृति की ओर विकास कर सकता है, जैसे जैसे वो श्रवण करता है भगवान की दिव्य प्रकृति, अर्थात भगवान की जो दिव्य प्रकृति है वैकुंठ लोक या भगवान का धाम गोलोक वृंदावन धाम, उनकी ओर उस मार्ग में हमारी प्रगति विकास शुरू हो जाती है। लेकिन अभी मन में शिथिलता होने से हमें ये बात अनुभव नहीं होती। जैसे कोई बीमार है, गुरु महाराज कहते हैं वो डॉक्टर के पास जाता है, जॉइंटिस का पेशेंट है, डॉक्टर कहता है उसको मिश्री खाने के लिए। अब वो डॉक्टर की बात मान के मिश्री खाता है, लेकिन कहता है नहीं मेरे को मिश्री नहीं खानी डॉक्टर को, मिश्री कड़वी बहुत है, कड़वी बहुत लगती।
अब सच्चाई ये है कि मिश्री तो कड़वी होती ही नहीं, लेकिन उसको कड़वी क्यों लग रही है? क्योंकि वो बीमारी के प्रभाव के कारण उसके मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ। लेकिन डॉक्टर कहते हैं नहीं, फिर भी तुम खाते रहो, चाहे कड़वी लगे तो भी मिश्री खाते रहो। अगर डॉक्टर की बात को मान के वो मिश्री खाता रहे तो धीरे धीरे वो बीमारी जो है जॉइंटिस की वो घटने लगेगी और वही मिश्री उसी मीठे लगने लगे। अभी क्या है, मन अनंत जन्मों से इस संसार में रमा हुआ है, पूरी तरह से खोया हुआ है संसार में, घर परिवार में, खाने सोने में, पैसे में और इन्हीं सब में, बस पूरी तरह शरीर के चिंतन में। लेकिन जैसे जैसे हम श्रवण करेंगे लीलाओं का, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का, उनके कार्यकलापों का, तो सुनने से धीरे धीरे ये बीमारी जो हमारी है घटनी शुरू हो जाएगी, जो संसार में हम आसक्त तो भूले हुए हैं संसार के अंदर, जिसे महाराज कहते हैं ना, भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। ठीक, मन ऐसा भूला हुआ है कि उसको बस शरीर, शरीर से संबंधित पत्नी पति पर बच्चे, बस यही सब दिमाग में हो। लेकिन इसी सब के चिंतन में अगर ऐसे में शरीर छूटा तो भगवान गीता में कहते हैं अंतकाल में जैसा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ोगे ना, वैसे ही फिर आगे शरीर मिले। अगर कोई स्त्री का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ता है, उसको अगला जन्म स्त्री का शरीर मिल जाएगा। किसी कर्मों के अनुसार किसी भी 84 लाख योनियों में ऐसे कोई योनि मिल जाएगा। और कोई स्त्री पुरुष का चिंतन करती है तो उसे पुरुष का ऐसा कोई शरीर मिल जाएगा, और कर्मों के अनुसार किसी भी योनि में जाना पड़ सकता। तो यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं यदि कोई भगवान की लीलाओं के श्रवण का लाभ उठाता है तो प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण, जो एक लंबे समय से इस संसार का अनेक जन्मों में जो हमने संग किया है अलग अलग शरीरों में योनियों में, उसके कारण मन में संचित होने वाली कल्मश धूलि, जो मन में कल्मश मैल इकट्ठा हो गया है, क्या मैल, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्षा तंब द्वेष, ये सब जो मन में मैल इकट्ठा हो गया है, ये धूलि तुरंत ही इसको धोया जा सकता है। इससे श्रवण के माध्यम से भगवान की लीला, ये मैल धीरे धीरे धुल रहा है। हम 30 साल पहले मन की जैसी स्थिति थी और आज की जैसी मन स्थिति है, उसका अंतर साफ गुरु कृपा से देख पा रहे हैं कि उस समय का मन कैसी स्थिति में था और आज के मन की स्थिति कितनी अंतर आ गई है 30 सालों के इसके ऊपर, कितना परिवर्तन वो खुद फील कर पा रहे हैं। लेकिन हम कहते नहीं, आज मैंने भक्ति शुरू की, ये 24 घंटे के अंदर मेरे को रिजल्ट दिखाई देने चाहिए। लेकिन वो 24 घंटे में या तो भक्ति भी उतनी उग्र होनी चाहिए जैसे महाराज खटवांग की है, जैसे परीक्षित महाराज की, ध्रुव महाराज की। अगर उस तरह की भक्ति नहीं है तो समय तो लगे। जैसे गुरु महाराज कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अगर माली किसी पौधे को लगा के 100 घड़े पानी एक साथ में डाल दे, ऐसा नहीं होगा कि उसको थोड़ी देर 2-4-5 घंटे के बाद में फल लग जाएंगे उस पौधे। ऋतु आए फल होए, जब ऋतु आएगी उसका मौसम आएगा तो वही फल लगेंगे उसके ऊपर, धैर्य से प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए आध्यात्मिक जीवन बड़े धैर्य से, प्रभुपाद जी कहते हैं जो लोग धैर्य नहीं रखते भक्ति में, चाहते नहीं नहीं मेरे को बस इसी समय बस दर्शन होना चाहिए, बड़े उताव। ये ऐसा क्यों होता है, जब हमने जीवन में बहुत अधिक भोग विलासी जीवन जिया हो ना, ऐसा व्यक्ति हर समय ऐसा रहेगा मनुष्य। जिसे प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हमें भगवान का दर्शन करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, उनसे बार बार की हाँ प्रभु को प्रार्थना की मेरे को दर्शन दो, बल्कि इस तरह का आचरण, इस तरह का जीवन ढालना चाहिए कि भगवान कृष्ण के हृदय में इच्छा हो, भगवान कृष्ण को इच्छा हो कि इस भक्त को अब जाके मुझे दर्शन देना चाहिए। ये प्रभुपाद जी कहा करते थे। तो अपने खान पान, अपने रहन सहन और कार्यकलाप को हमें ऐसा बनाना है 24 घंटे नाम जप करते हुए निरंतर,
कि भगवान कृष्ण के हृदय में इच्छा उठे कि इनको दर्शन देना चाहिए इस भक्त। जब तक वो स्थिति नहीं है तब तक साधना में जहां जहां कमी है उस कमी को दूर करना चाहिए, क्योंकि भक्ति जो है वो निरंतर सतत होनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ एक घंटे माला कर ली, महाराज कहते हैं ना एक भक्त ने माला कर ली और माला करके 16 माला फिर माला रखी, अगले दिन कुछ ढूंढ रहा है तो दूसरे भक्त ने पूछा भैया क्या ढूंढ रहे हो, कहते माला खो गई, माला ही नहीं मिल रही, माला करके ऐसी जगह फेंकी दूसरे दिन माला ही नहीं मिल रही। महाराज कहते नहीं, भगवत प्राप्ति अगर वास्तव में करना चाहते हैं इसी जन्म के अंदर और जल्दी से जल्दी तो फिर होना ये चाहिए, भक्ति सतत चाहिए। इसको भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं अर्जुन को, सततम कीर्तयन्तो माम केचन परियुपासते, सतत जो निरंतर मेरे नामों का कीर्तन करता, और अनन्याश चिंतयन्तो माम केचन परियुपासते, और अनन्य अनन्य मतलब अन्य किसी का नहीं चिंतन करता मन से, न घर का न परिवार का, केवल कृष्ण का चिंतन। कृष्ण कहते हैं केवल मेरा ही चिंतन, मेरी आज्ञाओं का, मेरे आदेशों का, अगर मेरी आज्ञाएं बातें समझ नहीं, तो इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपने प्रतिनिधि को रखा है परंपरा के अंदर, जिसको गीता में भी भगवान ने कहा 4वें अध्याय के 2वें श्लोक में, एवं परंपरा प्राप्तम। अर्जुन ये मैंने गुरु परंपरा इसीलिए शुरू की है, अगर कोई सोचता मैं अभी योग्य नहीं हूं तो वो परंपरा के माध्यम से मेरी शिक्षाओं के अनुसार जीवन ढाले और लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, कोई भी कर सकता है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है चाहे ब्राह्मण है चाहे शूद्र है चाहे ब्रह्मचारी है चाहे सन्यासी है चाहे गृहस्थी है, हर कोई कर सकता है, पर मुझे निरंतर सतत भक्ति करनी है बड़े अच्छी। ये नहीं कि थोड़ी देर भक्ति की अब चलो छोड़ो माला को रखो आराम से, अब चलो थोड़ी देर टीवी देखते हैं, अच्छा मोबाइल में कुछ देखते हैं, थोड़ी देर फेसबुक, ना वो नहीं चलेगा। भक्ति के बाद फिर सतत करनी होगी, फिर दोबारा उस तब तक जब तक भगवान का दर्शन नहीं हो जाए बीच में कोई और बिल्कुल कुछ भी इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है, इंद्रियों का तर्पण नहीं करना है, ऐसी भावना रखनी पड़ेगी अपनी ही बुद्धि के द्वारा, अपने मन और इंद्रियों पे नजर चेक रखना पड़ेगा कि कहीं इंद्रियां और मन फिर विषय भोगों की तरफ तो नहीं जा रहे, बार बार उन्हें हटाना है, बार बार भगवान यही कह रहे हैं अर्जुन कि अर्जुन मैं जानता हूं ये मन बड़ा चंचल है, चंचलम की महाभाव मना दुर्निग्रह चलम, ये मन बहुत चंचल है मैं जान, लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैरागेन च क्रियते, अगर तू नियमित अभ्यास करेगा निश्चित रूप से वैराग्य इस मन में विषय भोगों से वैराग्य हो जाएगा, यानी कि वो संसार को छोड़ के कहीं जंगलों में भाग जाएगा, लेकिन विषय भोगों से मन हट जाएगा जो हर समय भोग में मन लगा हुआ है। अगर विषय भोगों से मन हट गया ना तो वो जो जहां पे है ना वहां पे रह के भी भक्ति कर सकता, चाहे फिर वो घर में है चाहे वो आश्रम में है चाहे वो जंगल में है चाहे वो वृंदावन में है चाहे अमेरिका में, लेकिन शर्त क्या है, उसको अपने मन को और इंद्रियों को भोगों से रोककर कृष्ण की ओर मोड़ना है, कृष्ण की सेवा में इनको लगाना है इंद्रियों को। अगर सेवा में नहीं लगाओगे तो ये माया की सेवा करेगी, अगर कृष्ण की सेवा नहीं करो, लेकिन अपने आप से हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे इंद्रियों और मन को, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, प्रमाणित जो भगवान से चल रही परंपरा में हो, जो अपनी मनगणंत बातें ना करे, ये ना कहे कि हाँ कृष्ण को छोड़ो मेरी सेवा करो, ऐसे पाखंडी बहुत वाले पड़े समाज में, लेकिन नहीं, सही गुरु वही है जो कृष्ण की सेवा में हमें लगाए। और यहाँ पर जो वर्णन है श्रील शुकदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, भगवान चैतन्य ने भी उपदेश दिया है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के दिव्य नाम के श्रवण मात्र से, ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के दिव्य नाम के श्रवण मात्र से ही मनुष्य अपने मन के सारे भौतिक कलमश धो सकता है, सारे भौतिक कलमश जो है अपने मन के धो सकता है, कैसे, केवल भगवान के दिव्य नाम के श्रवण, भगवान का नाम भौतिक नहीं है, कृष्ण नाम, राम नाम, गौरंग नाम, भगवान कृष्ण का, भगवान राम का, भगवान विष्णु, भगवान नारायण का जो नाम है, भगवान गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की भौतिक नहीं है, दिव्य नाम है, इन नामों को सुनने मात्र से, केवल सुनने, कोई ये भी नहीं करना है कि या कोई बहुत भारी शरीर से कर्म करना है, मेरा तो शरीर, मैं तो वृद्ध हो गया हूं या वृद्ध हो गई हूं, मैं तो कर नहीं सकती,
इसका मतलब मेरे को भगवान नहीं मिल सकते ना, केवल श्रवण। और श्रवण करने के लिए मुंह से आपने नाम अब बोले और कानों से सुने, बताइए क्या कठिनाई है इसमें। लेकिन अगर इतना भी नहीं करेंगे कैसे रास्ता को प्रचार करेंगे। अब कुछ भी करने को तैयार नहीं, हम कहें नहीं बिल्कुल सब पक्की पकाई, मेरे मुंह में कोई तोड़ के डाल दे बस, खाली थोड़ा सा तो हम करेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। महाप्रभु कह रहे हैं जीभ से कीर्तनिया सदाहरी, नाम गाने सदा रुचि। जीभ से नाम बंद नहीं होना चाहिए बस। हम देखते हैं गुरुकुल के बच्चे हैं तो कई बार आचार बेचारे अभी नए हैं तो इसलिए खोए रहते हैं कई बार नाम नहीं, तो हम जब उनके पास से निकलेंगे या वो हमारे पास से निकलेंगे या नजदीक से, उसी समय ऊंची आवाज में हरे कृष्ण मंत्र बोलने लगते हैं। वो जब हर बोलते हैं तो हर बच्चे को अब समझ आ चुकी है कि ये हमारे से नाम जप करवाना चाहते हैं। उसी समय वो मुस्कुरा के हमारी तरफ देखेगा और जप शुरू कर देगा ऊंची आवाज में, चाहे प्लेट धो रहा है, बर्तन धो रहा है, चाहे कोई और काम कर रहे हैं, चाहे झाड़ू पोछा कर रहा है, हमने उसके पास से निकलते हुए ऊंची आवाज में हरे कृष्ण मंत्र खाली जप करना है बस। उतने में वो समझ जाते हैं क्योंकि आश्रम में यह एक है कि जब भी बोलेंगे इसका मतलब उसी समय मंत्र, और जब तक नहीं बोलेंगे तो हम उनको टकटकी लगाएंगे तब तक उनके पास खड़े घूरते रहेंगे, और आखिर में वो बोलेंगे और जब देखा अब इसने शुरू कर दिया तो हम इस तरह से खुद नाम लेना दूसरों से करवाना। महाप्रभु क्या करते थे चैतन्य महाप्रभु, बच्चों का स्वभाव होता है हमेशा उल्टा करना कुछ ना। तो जब चैतन्य महाप्रभु घर से निकलते थे कहीं मार्ग में कहीं जाने के लिए, बच्चों ने जानबूझ के छेड़ना, क्या कहना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जब हरे कृष्ण बोलना महाप्रभु ने कहना नहीं मुझे नहीं सुनना ना, तो बच्चों ने और जानबूझ के करना, बच्चों का स्वभाव। तो भगवान ने कानों में उंगली दे ले, दोनों कान बंद कर दे, मुझे नहीं सुनना ना, और भागना, और आगे आगे भाग चैतन्य महाप्रभु, पीछे पीछे सारे बच्चे, सैकड़ों बच्चे हरे कृष्ण करते हुए। और परिणाम किस तरीके से चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, नाम कीर्तन से नाम जप कर पा रहे हैं कीर्तन बच्चों से, क्योंकि है तो सभी जीवात्माएं और सभी कृष्ण के अंश हैं। अगर कई लंबे समय से हम पिछड़े हुए हैं तो उनके दिव्य नाम, यही नाम की महिमा यहाँ पर वर्णन आ रही है कि भगवान का दिव्य नाम जो है इसके श्रवण मात्र से मनुष्य, अगर कोई नई पशु पक्षी है, जीव जंतु है, अगर वो तो नाम नहीं ले पाएंगे तो उनको नाम सुनाना। एक दिन मुझे आज तक याद है, कई साल पहले चंडीगढ़ में हम 4 बजे का समय होगा, महाराज जी ने कहा चलो थोड़ा वॉक करने के लिए कहीं चलते हैं, गाड़ी में बैठे, एक बहुत बड़ा पार्क था वहां पर आ गए। तो वहां पे महाराज जी जप करने लगे, हम भी जप करने लगे। इतनी देर में महाराज ने एक जगह क्या देखा, एक छोटी सी बीवी बनी है, उसमें बहुत सारी चींटियां हैं, सैकड़ों चींटियां पार्क के अंदर। तो महाराज मेरे को कहते जरा थोड़ी देर बैठ के इनके पास ना, इनको महामंत्र सुना जरा इनको। तो हम थोड़ी देर वहां बैठ के जब उनको करते हुए सुनाते रहे, और उसके बाद में फिर महाराज के पास आ गए सेवा। तो उन जीवों का भी जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, अगर इनको भी हम नाम सुनाते हैं ना, इनका भी उत्थान होता है, इनकी भी आध्यात्मिक उन्नति होती है, इनको भी आगे उन्नत शरीर मिलेगा अगले जन्म में, और इनको भी अवसर मिलेगा भगवान भक्ति करने का। हम खुद भक्ति करें और दूसरों के लिए इस तरह से हम निमित्त बन के भगवान की कृपा ले सकते हैं। वृक्ष पेड़ पौधे घास सबके अंदर जीवात्माएं हैं। और यहां पर वर्णन है कि भगवान आत्म साक्षात्कार की विभिन्न विधियां हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु जब बद्ध जीव इस भक्ति की विधि को, जिसका महत्वपूर्ण कार्य श्रवण करना है, भक्ति विधि का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, सबसे पहले भक्ति की विधि पहली श्रवणम, उसके बाद कीर्तनम, पहला श्रवण, जिसका महत्वपूर्ण कार्य जो है भक्ति की विधि का श्रवण करना है, अगर कोई अपनाता है बद्ध जीव तो इसके द्वारा उसका भौतिक कलमश स्वतः धुल जाता है। अगर इस पद्धति को भी श्रवण करने की अपना ले अगर जीवन में अपने, तो प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक मैल जो मन का है, काम क्रोध लोभ ये वासनाएं जो हर समय वासनाओं के प्रति आकर्षण है, भोगों के प्रति, स्वतः अपने आप धुल जाएगा, कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं। जिसे कहा ना चैतन्य महाप्रभु ने कि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, भगवान कृष्ण की तुलना की गई है सूर्य से और माया की तुलना की गई है अंधकार से, रात्रि अंधकार से।
जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। रात्रि में देखते रात को कितना अंधेरा था, भरा पड़ा था पूरा, जहां भी नजर दौड़ाओ केवल अंधेरा। लेकिन जैसे ही सूर्यदेव उदय हुए कहां पे अंधेरा है देखिए, सब आ गया अंधेरा, कहां छुप गया जाके अंधेरी कोठरियों में, रात को फिर निकल के आएगा अभी सामने नहीं। तो कृष्ण नाम अगर हमारी जीभ पे हर समय रहेगा तो मन का सारा अंधकार ये भाग जाएगा, काम क्रोध वासनाएं सब भाग जाएंगी, ईर्ष्या द्वेष। लेकिन नाम तो निरंतर करना पड़ेगा ना, हम निरंतर करते ही नहीं, थोड़ी देर करते फिर छोड़ के बैठ जाते, थोड़ी देर करते फिर संसार में खो जाते, थोड़ी देर करते फिर गो। तो वो खोयापन दूर करना है गुरु महाराज कहते हैं, इस खोयापन को दूर कर। और समय रहते हुए महाराज कई बार प्रवचनों में कहते हैं समय बहुत थोड़ा है, रास्ता बहुत लंबा है, रास्ते को छोटा मत समझिए, क्योंकि इस अंधकार को जो अनंत जन्मों से हमने संसार में विषय भोग भोगे हैं अलग अलग योनियों में, इस अंधकार को, इस वासनाओं के बीजों को जो अंदर हृदय में पड़े हैं, समय समय पर अनुकूल वातावरण तो वो अंकुरित हो जाते हैं। अभी सत्संग में बैठे आप देखेंगे मन में कोई काम विकार नहीं जागता हुआ लगेगा, लेकिन वही रात्रि होगी तो मन के अंदर काम विकार जागना शुरू कर देगा। तो ये क्यों? क्योंकि जैसे ही हम भगवान से विमुख होंगे, नाम से विमुख होंगे या भक्तों की संगति से दूर होते हैं, वैसे ही वासना फिर तंग करेगी। इसलिए हमें हर समय भगवान, भगवान का नाम और भगवान के भक्तों की संगति में रहना है। अगर ऐसा हमने कर लिया ना तो ये वासनाएं कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, कुछ भी इनको भागते रास्ता नहीं मिलेगा। गुरु बच कहते हैं ये सब विषय भोगों के विचारों को और ये सब वासनाओं, और इसी भोग के विचारों ने ही हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से हम निकल नहीं पा रहे हैं। जब तक हम ये बिल्कुल बुद्धि पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाएगी, 24 घंटे एक बार भी मन में कोई विकार या मन में शरीर में कोई विकार नहीं जागना चाहिए, न काम वासना का, न क्रोध का, न मोह या लोभ या अहंकार का या ईर्ष्या द्वेष का। जब बिल्कुल ये सब विकार खत्म हो गया समझो बस, अब भगवान का दर्शन जहां जहां दृष्टि पड़े तहां तहां कृष्ण संभव, जहां नजर जाएगी कृष्ण का दर्शन हो। अलग से फिर मंदिर में जाना नहीं, कि हाँ मंदिर में जाएंगे तो ही दर्शन करवाएंगे, मंदिर में भी होगा लेकिन मंदिर से बाहर निकलेंगे तो जहां जहां नजर जाएगी वहां कृष्ण का दर्शन। लेकिन तब जब हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाए, और हृदय शुद्ध होगा निरंतर नाम और अपने को भगवान की सेवाओं में लगा, क्योंकि शरीर के पाप जलते हैं निष्काम सेवा से, मन के पाप और वासनाएं जलती हैं हरि नाम से, और ये सब करना होगा आचार्य गुरु के मार्गदर्शन में। जब एक संसारिक पढ़ाई को हम घर पे बैठ के अपने आप से नहीं कर सकते, डॉक्टर इंजीनियरिंग या कोई PhD, तो भगवान से मिलने की जो पढ़ाई है जिसे कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, उस भगवान से जो प्रेम करने की जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई को भी हमें किसी योग्य टीचर या भगवान के शुद्ध भक्त जो भगवान से चल रही परंपरा में एज इट इज यथारूप में हमें शिक्षा दे, उनके मार्गदर्शन में चलना पड़ेगा 24 घंटे कॉन्स्टेंट। हम क्या करते हैं, एक दिन सुनेंगे फिर बीच में गैप आ जाएगा, फिर मन एक दिन फिर दोबारा, और वो गैप जो है एक दिन का अगर बीच में आया ना, संडे को रविवार को क्लास हुई फिर सोमवार का आया, तो वो एक तरह से ये सोच सकते हैं होमवर्क करने के लिए हमें मिला है कि हमने जो सुना उसकी कितनी प्रैक्टिस की, अभ्यास किया हमने अगले दिन। तो वो हमें अभ्यास खुद से करना पड़ेगा, मन और इंद्रियों पे नजर रखता है हर सब। आगे यहां पर वर्णन है कि उसे अपनी स्वाभाविक स्थिति का बोध हो जाता है। उसकी स्वाभाविक स्थिति क्या है? स्वाभाविक स्थिति है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कि हम सदा से कृष्ण के नित्यदास हैं, भगवान कृष्ण की नित्य राधा रानी की नित्यदासी है। उस स्वाभाविक, यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं उसको स्वाभाविक स्थिति का बोध हो जाता है, अर्थात 2400 घंटे फिर वो स्मृति रहेगी। जब एक बार शुद्ध हो जाएगा कोई जी, उसे फिर भगवान को याद नहीं करना पड़ेगा, खुद निरंतर वो याद बनी रहेगी, स्मृति बनी रहेगी। इस कलमश के कारण ही यह बद्ध जीवन है, कि जितना जो मन में कलमश है ये सब वासनाओं के विचार हैं, इसी कारण से ये बद्ध अवस्था है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और जो ही यह कलमश धुल जाता है त्यों ही जीवात्मा का अप्रगट कार्य, उसी समय जैसे ही ये सारा कलमश धुल जाता है
उसका अप्रगट, अप्रगट मतलब जो प्रगट नहीं है, एक होता है प्रगट सामने साक्षात, एक है प्रगट नहीं है। क्या प्रगट नहीं है? भगवान की सेवा, जो हम भूले हुए हैं भगवान की सेवा को एकदम स्मृति, फिर हम सेवा के बिना रह नहीं सकेंगे भगवान की सेवा के। मुंह से भगवान का नाम, हाथ से भगवान की सेवा, इसमें लगा रहा, फिर उससे हम अलग हमें कोई नहीं कर सकेगा सेवा सके। तो परिणाम वो अप्रगट जो कार्य है भगवान की सेवा जो है, सेवा करने का कार्य सहज ही जागरूकता है। अभी क्या है, सेवा करनी हो तो बड़े कभी खुशी से कर देते हैं, कभी बड़े मन मार के करनी पड़ती है। लेकिन जब पूरी तरह से जब बोध हो जाएगा, पूरी तरह से कलमश धुल जाएगा, भगवान की सेवा में सहज ही एक अपने आप से ही उसमें जागृति आ जाएगी, वो रह ही नहीं सकेगा बिना सेवा के। हम देखते हैं ना महाराज जी को प्रचार के बिना रह ही नहीं पाते, शायद ही कोई वेला दिन होता है जब कोई तबीयत बिगड़े, नहीं तो मंगल आरती छोड़ते ही नहीं, और मंगल आरती और फिर प्रचार, प्रवचन के माध्यम से फिर प्रचार करना पूरे संसार में, फिर को लेक्चर हो। तो इस तरीके से परमेश्वर के साथ दिव्य संबंध स्थापित करने से वह भक्तों के साथ मित्रता करने का अधिकारी बन जाता है, और भक्तों के साथ मित्रता का फिर वो अधिकारी बन जाता है जैसे जैसे वो शुद्ध हो जाता है हरिनाम और निष्काम सेवा के द्वारा। महाराज परीक्षित ने व्यवहारिक अनुभव से यह निर्दिष्ट किया है अपने। कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने का प्रयास करे। परीक्षित महाराज खुद आचरण करके सिखा रहे हैं, और आचरण भी कैसा कर रहे हैं, 7 दिन 7 रातें लगातार बिना आसन से उठे, ना सोने के लिए, ना नहाने के लिए, ना खाने के, कुछ नहीं, 7 दिन 7 रातें एक ही आसन पे बैठ के केवल भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण के अवतार और भगवान कृष्ण के भक्तों की महाराज अपने आचरण से सिखा रहे हैं इस पर। यह लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण नामक ग्रंथ इसी उद्देश्य से लिखा गया है कि हम इसका श्रवण करें, और श्रवण के द्वारा हमारे अंदर भी वो जागृति आए, जैसे परीक्षित महाराज जो हैं कृष्ण के चिंतन में तल्लीन हो गए, पूरी तरह से उनका मन लग गया। तो पाठक को चाहिए, प्रभुपाद जी कहते कि लाभ उठाए, इस दिव्य ग्रंथ का लाभ उठाए अपने मानव जीवन, चरम लक्ष्य। चरम लक्ष्य क्या है? भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चरम लक्ष्य है जीवन का। अहेतुकी कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, अहेतुकी मतलब बिना हेतु के, हम में कोई योग्यता नहीं है, हम सब महापात की पतित अवस्था में हूं, पर फिर भी भगवान अहेतु की बिना कारण के कृपा करते हैं और इस जगत में आते हैं, जिनकी लीलाओं का आज हम श्रवण कीर्तन कर पा रहे हैं। अगर भगवान ने आकर धरती पर लीला ही नहीं की होती 5000 साल लगभग पहले, बताइए किसका चिंतन करते, किसका मनन करते, कौन सी लीलाएं सुनते, विचार करके देखिए। और जिन देशों के अंदर पता ही नहीं है तो विचार कर देख लीजिए वो क्या सुन रहे हैं, केवल मांसाहार, मदिरापान, दुष्कर्म करना, बुरे कर्म करना, और बस इसी में ही लगे हैं। पीछे चाइना का एक आया, वहां पर यहाँ पर जैसे महामारी फैली है भारत में, वहां पर क्या कर रहे हैं, इसी म्यूजिक के तो परिणाम में वो कहां से किसकी किसको सुने। लेकिन प्रभुपाद जी ने कृपा कर क्या कहा, प्रभुपाद से पूछा भक्तों ने कि चाइना के बारे में आप क्या कहेंगे, जो बिल्कुल ही कम्युनिस्ट देश है, जहां पे धर्म का प्रचार तक नहीं हो सकता, क्योंकि सब देशों में प्रचार लेकिन चाइना में नहीं हुआ। प्रभुपाद जी ने कहा चाइना आखिरी होगा, लेकिन सबसे यहाँ के सबसे अच्छे होंगे निकलेंगे। वे जो सब कुछ खा जाते थे आज वो प्याज लहसुन चाय कॉफी नहीं लेते बिना भोग लगे। उनका वीडियो अभी कुछ दिन पहले ही आया था चाइना के भक्तों, किस तरह से वो अपने घरों के अंदर, वहां पर उन्होंने मंदिर अंदर अंडरग्राउंड बनाए हैं, और उस मंदिर के अंदर कैसे सभी भक्त मृदंग लेके कीर्तन कर रहे हैं हरे कृष्ण भक्त का। अभी चंद दिन पहले ही मेरे पास वीडियो आया चाइना से। तो यही चीज यहाँ पर विचारने वाली है कि
कि भगवान की अपनी अहेतु की कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और सामान्य पुरुष की भांति अपने कार्यकलापों का प्रदर्शन करते हैं, बिल्कुल हमारी तरह सामान्य कार्यकलाप करने लगते हैं। दुर्भाग्यवश शून्यवादी या नास्तिक लोग, एक तो जो शून्यवादी हैं जो ईश्वर को मानते ही नहीं बिल्कुल, और नास्तिक जो ईश्वर को निराकार मान के बिल्कुल चल रहे हैं, बिल्कुल एक तो मानते ही नहीं, एक मानते हैं लेकिन निराकार मानते हैं। तो इस तरह के शून्यवादी या नास्तिक लोग कृष्ण को अपने समान एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। जब वो कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो वो अपने जैसा मानने लगते हैं, जैसे हम हैं, ठीक है हमारी तरह एक, ये इन्होंने भी जन्म लिया, और इस तरह वे उनका उपहास करते हैं, जिसको भगवान ने कहा ना गीता में भी, अब जानन्ति माम मूढ़ा, जो मूढ़ है, मूढ़ का मतलब होता है जो मूढ़ या पाखंडी है या मंद बुद्धि है, वो लोग क्या करते हैं भगवान का भी उपहास करते हैं श्री कृष्ण का, और भरमार है ऐसे लोगों के भी जो अपराध कर रहे हैं इस तरह से और पतन को जा रहे हैं दुर्भाग्यवश। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में इसकी भर्त्सना की कि मूढ़ या पाखंडी कृष्ण को सामान्य व्यक्ति या मानव से थोड़ा बहुत अधिक शक्तिमान मनुष्य मानते हैं। दिल्ली में एक बड़े आर्य समाजी हमसे जुड़े, सा संपर्क में थे, शरीर से रिश्ते में रिलेशन में थे, तो हम उनके पास गए, बड़ी उम्र के थे, लेकिन क्या कह रहे हैं, कहते हैं हाँ कृष्ण जो है महापुरुष है लेकिन भगवान नहीं, क्यों नहीं समझ पा रहे अपने उसके घर से ईश्वर के रूप नहीं, ईश्वर भगवान उनको नहीं मान, कृष्ण कहते हैं उनके भी तो, फिर कहते हैं कि उनके भी तो पैर में बाण लगा था, शिकारी ने कुछ मारा था, बाण लगा था उससे उनकी मृत्यु हुई। मैंने कहा आपने देखी थी क्या, और बाण लगने से मृत्यु हुई आप जो कह रहे हो हरिद्वार में, मैंने कहा आप चलिए हरिद्वार के अंदर, वहां पे आपके सैकड़ों लोग दिख जाएंगे, हरिद्वार में हर की पौड़ी पे कई लोग दिख जाएंगे जिनकी दोनों टांगे कटी हुई हैं तो भी जीवित हैं, दोनों हाथ कटे हैं तो भी जीवित हैं। जब एक सामान्य व्यक्ति दोनों पैर कट जाने के बाद जीवित रह सकता है, दोनों हाथ कट जाने के बाद, जो कृष्ण जिसको आप चलो भगवान नहीं मान रहे, महापुरुष तो कह रहे हो ना, महान पुरुष है, तो उनको एक चरण के अंगूठे में अगर एक बाण लग गया तो बाण लगने से क्या मृत्यु हो जाएगी क्या, कोई जवाब नहीं, फिर चुप, अब कोई आंसर नहीं। कहते आप कभी आना हम आपको वेद वेद देंगे पढ़ने के लिए, तो केवल उन वेदों के सार को नहीं समझा, जीवन भर वेद को ही रटने में लगा दिया, वेदों का ही रट्टा पढ़ने में, और बड़े उनको आर्य समाज में सम्मान दिया जाता था, लेकिन वास्तविक जो भगवान क्या है ये नहीं समझ पाए। इसलिए पता है जब तक सदगुरु ना मिले, जब तक भगवान कृपा करके किसी योग्य मार्गदर्शन ना मिले सदगुरु का, तब तक भगवत भगवान को हम जान नहीं पाएंगे। वास्तव में भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं, हमारा भगवान से क्या रिश्ता है, हम भगवान के पास कैसे लौट सकते हैं, ये सब बातें हम नहीं समझ पाते तब तक जब तक भगवान की शुद्ध भक्त कृपा ना करें। और ऐसे ही महान भक्त जो है प्रभुपाद जी ने भगवान कृष्ण से चल रही श्री ब्रह्म मधव गौड़ीय संप्रदाय में 32वें आचार्य के रूप में पूरी दुनिया में गए अपने गुरु की आज्ञा से प्रचार के लिए, और पूरे विश्व भर के अंदर उन्होंने उन वहां के उन विदेशी लोगों को, चाइनीज क्या, जैपनीज क्या, रशियन क्या, यूरोपियन क्या, फ्रेंच क्या, अफ्रीकन, उन सबको भी भक्ति में लगा दिया इस कृष्ण भक्ति के अंदर। भगवद गीता हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन और गीता भागवत का श्रवण कीर्तन, तो ये है शुद्ध भक्तों के माध्यम से भगवान इस तरह से कार्य करते हैं, जैसे अर्जुन जी के माध्यम से भगवान ने निमित्त बनाते हैं, अपने भक्तों को निमित्त बनाते हैं। अगर हम भक्त बनेंगे तो भगवान हमें भी निमित्त बनाएंगे, अगर हम भक्त नहीं बनेंगे, हम केवल वासनाओं में पड़े रहेंगे, तो भगवान निमित्त नहीं बनाएंगे, ऐसे एक दिन दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, कूकर सूकर की तरह, कुत्ते या शुअर की तरह से, पशुओं की तरह से जीवन। इसलिए हमें भक्त बनना है, भक्ति करनी है गीता और भागवत के अनुसार, मनमर्जी वाली भक्ति नहीं करनी। भगवान कह रहे सततम कीर्तन, तो हम दिन भर में कितनी कितनी देर कीर्तन ही नहीं करते, जीव से नाम ही नहीं निकलता, संसार की बातों में बड़ी रुचि से करते हैं संसार की, तो फिर कैसे भगवान की कृपा मिलेगी बताइए, कैसे मनुष्य तो होगा, समय खत्म होने जा रहा है, तैयारी अधूरी पड़ी हुई है।
परिणाम क्या होगा, जब आखिरी समय आएगा उस समय में शिवदूतों के जब ध्यान वय चेहरे दिखेंगे ना, हाथ पैर फूल जाएंगे, कांपने लगेंगे थर थर, जैसे अभी हुआ कोरोना बीमारी के टाइम पे कैसे लोग तड़पे, जब समय दिया था 100 साल दिए थे लगभग पिछले बीमारी के बाद से, अपनी आदतों को बदलने और सुधरने के लिए, भक्ति करने के लिए, लेकिन जब नहीं बदले तो देखिए कैसे सजा मिली, कैसे तड़प तड़प के शरीर त्यागने पड़े। मीडिया में आपने सबने देखा होगा ये बात को, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इन सबसे शिक्षा सीख ले और वही गलती हम ना रिपीट करें, उठते बैठते चलते फिरते नाम जीव से ना छूटे, ऐसा अभ्यास कर। तो आगे जो प्रसंग है ये वर्णन है, दुर्भाग्यवश ओढ़ सामान्य व्यक्ति या मानव थोड़ा बहुत अधिक शक्तिमान मनुष्य मानते हैं भगवान कृष्ण को, दुर्भाग्यवश वे उन्हें श्री भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसे भाग्यहीन मनुष्य बिना किसी शास्त्रीय प्रमाण के अपने आप को कृष्ण का अवतार घोषित कर देते हैं, अधिकतर ये करते हैं भाग्यहीन। जो पीछे अभी कुछ ही दिन पहले वंदिता माता ने वीडियो भेजा था उसमें यही चीज, कि अपने को भगवान घोषित कर दिया, एक कर्नाटका का कोई था पहले कलर कर रहा था शायद, उन्होंने भेजा था तो क्लैरिक तो भेजा, उसके अंदर क्या हुआ, अब वो अपने को विष्णु घोषित, भगवान विष्णु का अवतार घोषित कर दिया, पहले कलर का था फिर कलर का जॉब छोड़ दिया, फिर 1990 के अंदर अपने आप को भगवान घोषित कर दिया, और परिणाम में लोग भी बेचारे अंधविश्वासियों की भरमार है हमारे सनातन धर्म के, कोई शास्त्र प्रमाण देखना नहीं और लोग भी चल पड़े भेड़ चाल, 25,000 रुपए पर्सनल उनके दर्शन करने की फीस थी, और परिणाम में कितने सालों से वो ऐसे ही लोगों को लूटता रहा, ठगता रहा लोगों को, लेकिन इनकम टैक्स जमा नहीं कराया। भगवान कहते ना समय, कहते ना बकरे की माँ कब तक मौज बनाएगी, एक दिन तो छुरी के नीचे आना ना, कितने दिन वो ऐसी बदमाशी करता, तो बहाना बना उसने इनकम टैक्स, उसकी बुद्धि ऐसी की कि इनकम टैक्स जमा नहीं कराया उसने सरकार, और खातों में पैसा आ रहा है इनकम टैक्स जमा नहीं, सरकार ने उसके 40 ठिकानों पे रेड मारी, परिणाम में 44 करोड़ रुपए तो कैश मिला और 28 करोड़ के लगभग के सोना गोल्ड मिला, 17 करोड़ के करीब के लगभग के डायमंड मिले, उसके अलावा 404 करोड़ की अघोषित संपत्ति मिली और 500 करोड़ से अधिक का उसका वॉर मिला, परिणाम में अभी जेल की हवा खा रहा बैठा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे अमेरिका ऐसा देश है जहां पे हर हफ्ते एक नई गाड़ी का कई कारों के मॉडल निकलते रहते हैं हर हफ्ते, भारत भी एक ऐसा देश है जहां पे हर हफ्ते ऐसे कोई ना कोई भगवान पैदा होता रहता जो अपने को भगवान घोषित कर देता, लेकिन प्रभुपाद कहते थे कृष्ण ऐसे भगवान नहीं है। कोई अगर भगवान अपने को कहता है ना कहलवाता, उसको एक ही प्रश्न करो, जैसे भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया आप हमें विराट रूप दिखा दीजिए हम आपको भगवान मानते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने 7 दिन के लिए अपने सबसे छोटी उंगली में गिरिराज जी को धारण किया आप ऐसा करके दिखा दीजिए हम भगवान मान लेंगे, उसी समय उसकी सच्चाई पोल खुल जाएगी उसके कि वो वास्तव में भगवान है या भगवान के नाम पे केवल बदमाश ठग है। लेकिन भगवान ऐसों को भी सुधरने का मौका देते हैं, लेकिन ये बदमाश लोग सोचते हैं कि हमें बदमाशी करने का मौका मिले, लेकिन कब तक। तो यही बात यहां पर कही जा रही है कि जब कृष्ण कुछ और बड़े हुए तो वे पलटने लगे, अब वे पीठ के बल नहीं लेटे रहते, थोड़े से बड़े हो गए लगभग 1 साल के अब हो गए तो अब पीठ के बल नहीं लेटे रहते, बार बार पलट जाते हैं। यशोदा तथा नंद महाराज ने दूसरा उत्सव अर्थात श्री कृष्ण की पहली वर्षगांठ मनाई, उन्होंने श्री कृष्ण जन्म दिवस जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन किया जो आज भी वैदिक सिद्धांतों के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। पूरे विश्व में जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो आज भी जन्माष्टमी मनाते हैं। भारत में सारे हिंदू जातिगत भेदभाव छोड़कर श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। सारे ग्वालों तथा ग्वालिनों को इस हर्ष उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया, सारे गोकुलवासियों को आमंत्रित किया नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने, सुंदर वाद्य बजाए गए जिसे सुनकर एकत्रित लोग आनंदित हो रहे थे। सारे विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रण दिया गया था और उन सबों ने आकर श्री कृष्ण के मंगल के लिए
वैदिक स्तुतियों का उच्चारण किया। स्तुतियों के उच्चारण तथा वाद्यों के बजते समय यशोदा माता ने श्री कृष्ण को स्नान कराया। जब ये सब वाद्य यंत्र बजने शुरू हो गए सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से ही, तो मैया ने क्या किया, कन्हैया को उनको स्नान कराया। यह स्नान क्रिया अभिषेक कहलाती है और आज भी इसे वृंदावन के सारे मंदिरों में जन्माष्टमी दिवस के रूप में संपन्न किया जाता है। आज भी नियम है अभिषेक का। इस अवसर पर माता यशोदा ने प्रभूत अन्न राशि, प्रभूत मतलब अनलिमिटेड, प्रभूत अन्न राशि जो है उसका वितरण किया और विद्वान पूज्य ब्राह्मणों को दान में देने के लिए स्वर्ण आभूषणों से सज्जित उत्तम गौएं तैयार की गई। और ब्राह्मणों को दान में देने के लिए और विद्वानों को गायों को पूरे सोने के आभूषणों से सज्जित किया गया। जैसे अभी कुछ दिन पहले गुजरात का एक आया था वीडियो, शायद सूरत का था, तो वहां पे एक व्यक्ति जिन्होंने गौ माता को पाला हुआ था, तो वो ज्वेलरी उनके लिए गहने बनवाए गौ माता के उन बछड़ों के लिए, और उनको बकायदा कार में गाड़ी में अपने लेकर आए और ज्वेलरी की शॉप के अंदर उनको फिर वो गहने उनको पहनाए। तो ठीक है सही, वो तो एक दो गायों को केवल उन्होंने हिम्मत करे बछड़ों को, चलो किसी ने पिया तो सही, गौ माता का सम्मान इस दर्द। लेकिन यशोदा मैया नंद बाबा ने तो सारी गौ माताओं को ऐसे सजाया समोर सोने के आभूषणों से ब्राह्मणों और विद्वानों को दान देने के लिए गौ माता, तो सोचिए कितना गौ धन होगा नंद बाबा यशोदा मैया के पास, और कितना धन होगा कि सोने के आभूषणों से सज्जित। यशोदा ने स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण किए और वे भली भांति नहलाए तथा सज्जित बालक कृष्ण को अपनी गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा उच्चरित वैदिक स्तुतियां सुनने के लिए बैठ गई यशोदा मैया। वैदिक स्तुतियां सुनते सुनते श्री कृष्ण को गहरी नींद लग गई और भगवान लीला करने लगे, गहरी नींद में सो गए लीला करते हुए। अतः माता चुपके से जाकर उन्हें बिस्तर पर लेट आई। भगवान कोई लीला करना चाहते हैं तो भगवान ने ऐसे कि गहरी नींद में सो गए तो मैया जाके चुपके में बिस्तर पर लेट आई। इस शुभ अवसर पर सारे मित्रों संबंधियों तथा वृंदावन वासियों का स्वागत करने में व्यस्त रहने के कारण यशोदा जी बालक को दूध पिलाना भूल गए। अब वो उन सब में जितने सब आए थे जन्म दिवस पर भगवान कृष्ण के 1 वर्ष के हुए हैं, तो परिणाम में ब्रजवासी आए हुए थे, संबंधी आए हुए थे, मित्र आए हुए थे, उन सब में वो इतनी व्यस्त हो गई, ये भूल ही गई कि मैंने कन्हैया को दूध ही नहीं पिलाया, भूखे ही सुला दिया। बालक भूख के मारे रो रहा था। अब कन्हैया को जब भूख लगी तो कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया जोर, किंतु जनरल के कारण इतना शोर था, इतने लोग थे आए हुए उसमें गोकुलवासी, तो उस शोर के कारण वे बालक की रोने को सुन ही नहीं पाई यशोदा मैया, उन्हीं सबको में व्यस्त हो गई। अतः बालक अत्यंत क्रुद्ध, कन्हैया बहुत क्रुद्ध हो गए क्योंकि वह भूखा था और माता उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही थी। अतः वह अपनी टांगे ऊपर उठाकर चरण कमलों को सामान्य बालक की तरह पटकने लगा, और वो सुला के आई थी एक पालने के अंदर सुला के आई थी, वो पालना लगा था एक छकड़े के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे। अब भगवान अपने चरणों को जोर जोर से पटकने लगे, परिणाम क्या हुआ, भगवान के चरण जो है वो जाके उस बैलगाड़ी के पहिए से टकराया, और वो बैलगाड़ी पूरे बर्तनों से और सामानों से लदी हुई थी पूरी ऊपर, उसके नीचे वो पलने में थे। जैसे ही टकराया तो उसी समय वो बैलगाड़ी जो थी, छकड़ा जो था, हवा में ऊपर उछला, ऊंचा गया और धम से आगे इधर उधर सारे बर्तन फैल गए और वो छकड़ा टूट गया। अतः वह अपनी टांगे ऊपर उठाकर चरण कमलों को सामान्य बालक की तरह पटकने लगे। बालक कृष्ण को एक छकड़े के नीचे रखा गया था और जब वे अपने पांव पटक रहे थे तो अकस्मात उनका पांव छकड़े के पहिए से छू गया, जिससे वह छकड़ा चूर चूर हो गया। इस छकड़े पर अनेक प्रकार के पात्र तथा पीतल तथा अन्य धातुओं की बनी थालियां संचित थे, ढेर सारी पीतल की थालियां और अन्य कई सारे बर्तन रखे थे, और वे सब धड़ाम से नीचे गिर गए। छकड़े का पहिया धुरे से निकल गया, वो पहिया अलग हो गया और उसके अंदर जो तीलियां हैं वो सब भी बिखर गई, और पहिए के सारे आरे जो उसमें लगे होते हैं पहिए के टूट टूट कर इधर उधर छितर गए।
माता यशोदा तथा समस्त गोपियां तथा नंद महाराज तथा सारे ग्वाले आश्चर्यचकित थे कि यह छकड़ा किस तरह स्वतः टूट गया। इस पावन उत्सव में समागत सारे स्त्री तथा पुरुष छकड़े के चारों ओर एकत्र हो गए और सुझाव देने लगे। सब अपनी अपनी समझ से बोलने लगे सुझाव देते हुए कि यह छकड़ा किस तरह टूटा होगा। कोई कहे कुछ विचार, कोई कहे कोई, किंतु कोई भी इसका कारण नहीं जान पाए कि आखिर इतना भारी छकड़ा ये सब ऐसे टूट कैसे गया हवा में उछल। हाँ, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने जिन्हें नन्हे कृष्ण के साथ खेलते रहने का काम सौंपा गया था उन्होंने ये बात बताई कि भीड़ को बताया कि पहिए में श्री कृष्ण का पांव लग जाने से ऐसा हुआ है। बालकों ने भीड़ को आश्वस्त किया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि वह सब कैसे हुआ और वे सब इसी पर बल दे रहे थे सारे बालक। कुछ लोग तो ध्यान से छोटे बच्चों के बयान सुनते रहे, बातों को सुन रहे थे, किंतु दूसरों ने कहा आप इन बच्चों के कहने पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। भगवान की योग माया है ना, वो योग माया ऐसा करती है कि वो सामने समझ ही ना पाए भगवान की लीलाओं। तो परिणाम बाकी सब संशय कर रहे, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, एक छोटे से इतने छोटा बच्चा है 1 साल का, भला उनके उनका पैर लगने से चरण लगने से भला कैसे इतना बड़ी छकड़ा पलट जाएगा। ग्वाले तथा ग्वाली ने यह जान नहीं पाई कि सर्वशक्तिमान भगवान वहां बाल रूप में लेटे हुए थे और वे कुछ भी करने में समर्थ थे, ये बात वो समझ नहीं पाए। संभव तथा असंभव दोनों ही उनके वश में थे। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो हम सोचते हैं ये बिल्कुल असंभव है, भगवान के लिए सब कुछ संभव है। जब इस तरह विवाद चल रहा था आपस में, सब लगे थे, कोई कुछ बोलता था कोई कुछ, तो कृष्ण जो है बालक कृष्ण रो पड़े। भगवान ने उनका ध्यान बटाने के लिए रोना शुरू कर दिया अपनी भूख के कारण। माता यशोदा ने बिना प्रतिवाद के बालक को अपनी गोद में उसी समय उठा लिया और भूत प्रेत दूर करने के लिए वैदिक स्तुतियों का उच्चारण कराने के लिए विद्वान ब्राह्मणों को दुआ भेजा। साथ ही वे बच्चे को दूध भी पिलाते रहे कि माता स्तनपान कराने लगी, जिससे ये बताया पहले भी वर्णन आ चुका है कि अगर बच्चा जो है वो माता का स्तनपान ठीक से करता है तो इसका मतलब अब वो डरा हुआ नहीं है, भयभीत नहीं है, कोई उस पर कोई बुरा ऐसा प्रभाव नहीं अगर ठीक से स्तन। तो साथ ही माता यशोदा मैया क्या कर रही है, वे बच्चे को दूध भी पिलाती रही। यदि बालक अपनी माता का दूध ठीक से पीता है तो यह समझा जाता है कि बच्चे को कोई खतरा नहीं। तत्पश्चात समस्त बलिष्ठ ग्वालों ने टूटे छकड़े को ठीक किया और इधर उधर बिखरी वस्तुओं को फिर पहले की तरह रख दिया पूर्व। फिर ब्राह्मणों ने यज्ञ की अग्नि में घी, दही, पुष्प तथा जल की आहुतियां दी। उन्होंने बच्चे के मंगल के लिए श्री भगवान की पूजा की और फिर उन्होंने मंगल के लिए पूजा की। वहां पर उपस्थित सारे ब्राह्मण सुपात्र थे, योग्य ब्राह्मण थे सारे, क्योंकि वे ईर्ष्याहीन थे। अर्थात ब्राह्मण की पहचान एक मुख्य बात, ये गुण जरूर होना चाहिए, उसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए किसी भी जीव के प्रति, तभी वो सुपात्र कहलाएगा। अगर कोई ईर्ष्या से भरा है तो उसे ब्राह्मण नहीं कह सकते, चाहे वो कितना भी फिर गायत्री करता हो, सब करता हो, त्रिकाल संध्या करता। ईर्ष्याहीन थे सभी ब्राह्मण, इसलिए सुपात्र। उन्होंने कभी असत्य भाषण नहीं, कभी झूठ नहीं बोला था, असत्य भाषण नहीं किया। वे घमंडी नहीं थे, ये सब गुण है ब्राह्मण के। और वे सब के सब अहिंसावादी एवं प्रमाणिक थे, सभी अहिंसावादी थे और प्रमाणिक थे। अतः ऐसा कोई कारण ना था कि उनके आशीर्वाद व्यर्थ जाए, कोई कारण नहीं था उनके आशीर्वाद व्यर्थ जाए ब्राह्मणों के, जो ऐसे सुपात्र ब्राह्मण थे। उन्होंने पूजा की और कन्हैया को आशीर्वाद दिया। सुपात्र ब्राह्मणों के दृढ़ विश्वास के साथ नंद महाराज ने अपने पुत्र को गोद में लेकर विविध औषधियों से मिश्रित जल के द्वारा उसे स्नान कराया और ब्राह्मणों ने ऋग, यजुर् तथा साम वेदों की स्तुतियां पढ़ी। ये सब वर्णन है इसमें। इस प्रकार कहा जाता है कि जब तक ब्राह्मण
योग्य पात्र ना हो जब तक तब तक उसे वेदों के मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए। जब तक अगर पात्र नहीं है योग्य, उसे वैदिक मंत्रों को नहीं पढ़ना चाहिए थे। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी ब्राह्मण दीक्षा का जो हमारे इसमें है, एक होती है हरि नाम दीक्षा, सबसे पहली दीक्षा होती है गुरु से, फिर दूसरी होती है ब्राह्मण दीक्षा, फिर तीसरी होती है संन्यास दीक्षा, जो केवल पुरुषों के लिए, माताओं के लिए संन्यास की नहीं होता। और संन्यास में केवल तब जब प्रचार करना हो, तो हरिनाम और ब्राह्मण दीक्षा का ये था। तो ये कहा जाता है कि जब तक ब्राह्मण योग्य पात्र ना हो तब तक उसे वेदों के मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए। यहां पर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वे ब्राह्मण समस्त ब्राह्मण लक्षणों से संपन्न थे। नंद महाराज को भी उन पर पूर्ण श्रद्धा थी, फलतः उन्हें वैदिक मंत्रों उच्चार द्वारा अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान की गई। यद्यपि विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान, किंतु सारे मंत्रों का उच्चारण सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होना चाहिए। क्योंकि इस कली काल में, आखिर में ये एक शिक्षा है जिसे ध्यान पूर्वक हम इसे समझें जी, कि चूंकि इस कली काल में ऐसे सुपात्र ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः समस्त वैदिक यज्ञ अनुष्ठान वर्जित हैं। जो वेदों के आधार पर जो पहले यज्ञ होते थे वो सब वर्जित है, क्योंकि सुपात्र ब्राह्मण ही नहीं जो वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण कर सके इस पवित्रता से। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग के लिए केवल एक प्रकार के यज्ञ की स्तुति संस्तुति की है, और वह है संकीर्तन यज्ञ अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने इसे क्या कहा, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। क्योंकि वैदिक मंत्रों का अब लोग संस्कृति नहीं आती लगभग सभी लोगों को, तो परिणाम में वो वैदिक क्या वेदों का अध्ययन करेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके क्या किया, उनको इस भगवान के नाम के द्वारा हम वैसा ही जैसा वेदों के अध्ययन श्रवण से उससे जो फल मिलता है, इस हरे कृष्ण मंत्र का जप कीर्तन करने से वही फल उन्हें मिल जाएगा। तो ये महामंत्र हमें जो स्वयं भगवान बता रहे हैं, भगवान कृष्ण राधा भाव लेकर जो इस कलयुग में प्रकट हुए, वो स्वयं बता रहे हैं इस हरे कृष्ण मंत्र के जप और कीर्तन के बारे में, हमें ये अभ्यास करना है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। कोई प्रश्न हो कर सकते हैं। कलयुग की शुरुआत कैसे हुई, हरे कृष्ण।